और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, पंचकुला से आ रही है जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी जल्द ही एनआरसी को लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, इस वक्त अवैध रूप से चल रहे विदेशियों की पहचान के लिए हरियाणा में भी एनआरसी का गठन होगा, ऐसा कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। लगातार इस वक्त अगर कोई मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है तो वह है एनआरसी का मुद्दा, जहां पर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इसके फायदे गिनाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हरियाणा से खबर आई है जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में भी जल्द ही एनआरसी को लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हरियाणा में भी एनआरसी का गठन होगा ताकि विदेशियों की पहचान जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं हो सके। फिर से बता दें कि एनआरसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में भी एनआरसी जल्द ही लागू होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान के लिए हरियाणा में भी एनआरसी का गठन होगा। कहा कि हरियाणा में हम एनआरसी को लागू करेंगे और इसमें भी हम बालाजी का सहयोग चाहेंगे कि उसमें किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, किया जाता है। उन्होंने हमको एक और सुझाव दिया कि हरियाणा में लॉ कमीशन बनना चाहिए, उसका भी अध्ययन करेंगे और लॉ कमीशन की जहाँ तक आपका सुझाव है उसके ऊपर फिजिबिलिटी देख करके और हम विचार करेंगे, उसको भी अगर बनाने से जनता का लाभ होता तो भी लागू करेंगे। चलिए तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अनिल कुमार। अनिल जी, चुनाव का वक्त है, क्या लगता है हरियाणा में एनआरसी के लागू होने की बात जो हो रही है इसके बाद क्या माहौल बनेगा? जी गुरांशी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महासंपर्क अभियान के तहत पंचकुला पहुंचे थे जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि असम की तर्ज पर हरियाणा में भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि राज्य में कानून आयोग के गठन पर भी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में पहुंचे थे और उन्होंने जनता के बीच में जाकर अपने 5 साल का कार्यकाल के किए हुए कामों का लेखा जोखा रखा और आगे भाजपा के लिए मतदान करने के लिए भी उनसे अनुरोध किया। जी अनिल जी, तमाम विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो एनआरसी लागू करने के विरोध में नजर आ रही हैं। ऐसे में चुनाव से पहले कैसे विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर सकता है? जी इस समय विपक्ष की अगर स्थिति देखी जाए तो विपक्ष पहले ही बटा हुआ है और इनेलो है, इनेलो से पहले ही टूटकर भाजपा बन चुकी है और इनेलो के कई विधायक और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भले ही कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया है, लेकिन अभी भी जो है अशोक तंवर अपने अलग बैठक ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस में भी गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, तो विपक्ष इस समय बिखरा हुआ है और मुख्यमंत्री को काफी कॉन्फिडेंस है और वो मुख्यमंत्री अपने आत्मविश्वास से ही जो भी फैसले ले रहे हैं और बयान दे रहे हैं उनको लगता है कि जो उन्होंने आज बयान दिया है हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा को इसका फायदा भी हो सकता है दूसरी जगह देखा जाए तो। जी अनिल जी, अगर ममता बनर्जी की बात करें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया था एनआरसी पर वो किसी से नहीं छुपा है और साथ ही साथ जिस तरीके से वो विरोध कर रही है वो काफी ज्यादा अचंभित करने वाला है। तमाम फायदों के साथ क्या ये कुछ नुकसान भी लाने वाला है अगर एनआरसी लागू किया जाता है तो? जी हरियाणा और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां अलग अलग हैं और हरियाणा में इसका ज्यादा कोई असर होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने भले ही ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो एनआरसी है जो हरियाणा में जल्द लागू किया जाए।